नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल क्रीपी रोस्टर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि केवल मात्र 2 मिनट में कैसे आप नया पैन कार्ड बना सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। दोस्तों बजट पास होने के बाद से सरकार का एक बहुत ही बड़ा अहम फैसला सुनाया गया कि भारत के हर एक नागरिक के पास अपना खुद का एक पैन कार्ड होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन है कि उसकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, मतलब कि दोस्तों माइनॉरिटी एज में वो नहीं आना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले जो पैन कार्ड बनाने का तरीका था वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी था। जी हाँ दोस्तों, उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता था और साथ ही साथ दोस्तों सबसे अहम चीज़ कि उसमें आपको पैसा देना पड़ता था। लेकिन दोस्तों सरकार ने एक नया पोर्टल जारी कर दिया है जिसके थ्रू कि आप अपने आधार कार्ड के थ्रू अपना नया पैन कार्ड बना सकते हैं। दोस्तों लेकिन अब की बात की जाए तो यहाँ पे आपको नया पैन कार्ड बनवाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको केवल अपना आधार कार्ड का नंबर डालना होता है और उससे जो OTP आता है उसको यहाँ पे फिल कर देना होता है। मात्र केवल 4 स्टेप पे दोस्तों आपके हाथ में आपका पैन कार्ड होगा। जी हाँ दोस्तों, पहले के समय में पैन कार्ड को आने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिन लग जाते थे, लगभग 15 से 20 दिन। लेकिन दोस्तों अब के समय में जबकि सरकार ने ठान लिया है कि हर एक नागरिक के पास अपना पैन कार्ड होना चाहिए, तो सरकार ने और भी ज़्यादा आसान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अब आपको ऑनलाइन आपका पैन कार्ड नंबर तुरंत जैसे ही आप यहाँ पे फॉर्म भर लेते हैं आपको 2 मिनट के अंदर आपका जो है पैन कार्ड मिल जाता है आपके हाथ में। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेकर के चलता हूँ और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप अपना नया पैन कार्ड बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेकर के जाने वाला हूँ जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना नया पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और तुरंत अपना पैन कार्ड जो है 2 मिनट के अंदर पा सकते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो के अंत में लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेकर के चलता हूँ। तो दोस्तों मैं जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पे लेकर के आ चुका हूँ, अब दोस्तों आपको अपने मोबाइल पे या फिर आपको अपने कंप्यूटर पे एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप करना है गूगल पे e-filling। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप e-filling टाइप करके इंटर प्रेस कर देंगे। जैसा कि यहाँ पे मैंने इंटर प्रेस किया, अब आपके सामने सबसे पहला वाला पेज दिख रहा होगा, सबसे पहला वेबसाइट e-filling होम पेज, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसा कि यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक पॉपअप होगा जिसको कि आपको कैंसिल कर देना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे होंगे कि आपको काफ़ी सारे यहाँ पे नए अपडेट्स दिख रहे होंगे जिस पे कि दूसरे नंबर पे आपको मिल जाता है इंस्टेंट पैन थ्रू आधार, यानी कि यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड से अपना पैन कार्ड बना सकते हैं वो भी मात्र 2 मिनट में। तो फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे जो कि इंस्टेंट पैन थ्रू आधार है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होकर के आता है जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है कि पैन अलॉटेड बेस्ड ऑन आधार इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपका पैन कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ लिखा हुआ मिलता है पैन PDF विल बी जनरेटेड एंड इशूज टू अप्लीकेंट, यानी कि आपको पैन जो है यहाँ पे PDF के फॉर्म पे आपको मिल जाता है। नीचे नोट पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है प्लीज़ डाउनलोड द अपडेटेड वर्जन ऑफ पैन और कोड स्कैनर ऐप। ऊपर आपको दोस्तों यहाँ पे गाइडलाइन मिल जाता है जिसको कि आपको पढ़ना है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। आप डाउनलोड ऐप भी कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पैन कार्ड जनरेट करने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं, ऊपर आपको 2 ऑप्शन मिलता है गेट न्यू पैन और चेक स्टेटस एंड डाउनलोड पैन। फ़िलहाल दूसरे वाले ऑप्शन का यूज़ हम पैन कार्ड जनरेट करने के बाद करेंगे, फ़िलहाल हमें पहले ऑप्शन के साथ जाना है जो कि है गेट न्यू पैन। तो यहाँ पे हमें गेट न्यू पैन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारा पेज जो है यहाँ पे रीलोड होने लगता है और आपके सामने जो इंटरफेस ओपन होकर के आता है यहाँ पे आपको सारे स्टेप्स जो हैं बता दिए गए हैं। सबसे पहला स्टेप आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर जो है इंटर करना है, जिसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे जो कि आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है उस पर OTP आएगा। उसके बाद आपके आधार कार्ड का सारा डिटेल आपके सामने होगा जिसको कि आपको मैच कर लेना है। फिर यहाँ पे आप ईमेल आईडी जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने पैन के साथ, ये ऑप्शनल है, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने जो है गेट पैन का ऑप्शन आ जाता है जो कि फाइनल प्रोसेस होता है, यहाँ पर आपको पैन कार्ड मिल जाता है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए अब आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं पहले बॉक्स पे अपना आधार कार्ड का नंबर फिल कर रहा हूँ। आधार कार्ड फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पे जो है कैप्चा कोड डाल देना है जो कि आपको ऊपर विजिबल हो रहा होगा। बिल्कुल आपको एग्जैक्ट कैप्चा कोड डालना है जिससे कि यहाँ पे आपका पेज जो है एरर ना रिस्पॉन्ड करे।
अब दोस्तों नीचे आपको मिल जाता है आई कन्फर्म दैट, यानी कि यहाँ पे आप क्या क्या कन्फर्म करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो कि कन्फर्म करनी है आपको कि आपके पास पहले से कोई भी एलोटेड पैन कार्ड नंबर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो कि आपको कन्फर्म करना है कि आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड के नंबर से लिंक होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो कि आपको कन्फर्म करना है कि आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो पूरा कंप्लीट आपके आधार कार्ड पे लिखा होना चाहिए। चौथी चीज़ जो कि आपको कन्फर्म करना है कि आप जो हैं 18 साल से कम एज के नहीं होने चाहिए, यानी कि इस पैन कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपका एज 18 साल से ऊपर होना चाहिए। पांचवी चीज़ की बात करें तो आपने यहाँ पे जो भी टर्म्स और इसके कंडीशंस हैं उसको आपने पूरी तरीके से पढ़ लिया है और आप इससे सेटिस्फाइड हैं, उसके बाद ही जा करके आप नीचे जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे। फ़िलहाल मैंने सब पढ़ लिया है और मैंने कन्फर्म भी किया है, अब जनरेट आधार OTP पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही दोस्तों आपका पेज जो है रिलोड होने लगता है और यहाँ पे आपके सामने जो है एक इंटरफेस ओपन होकर के आता है। अब दोस्तों आपके आधार कार्ड से लिंक जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP नंबर चला गया होगा, तो सिंपली यहाँ पे दोस्तों आपको वो OTP जो है फिल कर देना है। जैसा कि मेरे मोबाइल पे आ चुका है OTP, तो मैं फटाफट यहाँ पे बिना किसी देरी के OTP जो है फिल कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे OTP जो है फिल कर लिया है। नीचे आई एग्री का ऑप्शन आता है जो कि आधार कार्ड उदय की तरफ से आता है। यहाँ पे आपको चेक करके नीचे वैलिडेट आधार OTP एंड कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका पेज जो है लोड होने लगता है और आप तीसरे स्टेप की ओर बढ़ जाते हैं। लोडिंग कंप्लीट होते ही दोस्तों यहाँ पे आपका सारा डिटेल आ जाता है जो कि आधार कार्ड से फेच कर लिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे अपना डिटेल जो है एक बार मैच कर लेना है। मैच जैसे ही आप कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों आपको नीचे आई एक्सेप्ट डेट का एक बटन दिख जाता है जिसपे कि आपको क्लिक करना है। आई एक्सेप्ट डेट बटन पे क्लिक करने से पहले आपको कुछ चीज़ों को यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा, जैसे कि यहाँ पे जो ऊपर डिटेल मेंशन्ड है वो पूरा का पूरा सही है और आपको इससे पहले जो है कोई भी पैन कार्ड अलॉट नहीं किया गया है। दूसरा कंडीशन जो कि आप एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ पे अगर आप पकड़े जाते हैं, यानी कि आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड पाया जाता है, तो इसकी पेनल्टी के तौर पे आपसे 10,000 रुपया वसूला जाएगा जो कि अंडर सेक्शन 272(b)(1) के तहत है। तीसरा एग्रीमेंट जो कि यहाँ पे कहता है कि आपको जो भी पैन कार्ड नंबर यहाँ पे मिलता है वो आधार कार्ड बेस्ड डिटेल के थ्रू मिलता है जो कि रूल 114(b) के तहत है। आई एक्सेप्ट डेट के चेकबॉक्स पे क्लिक करते ही नीचे आपको मिल जाता है एक बटन जो कि है प्रोसीड टू वैलिडेट द ईमेल। यहाँ पे आप अपने ईमेल को वेरीफाई करेंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास मेल ID नहीं है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जो कि है आई डोंट स्किप द प्रोसेस एंड कंटिन्यू विदाउट वैलिडेटिंग ईमेल। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा जो कि है सबमिट का बटन। सबमिट के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं दोस्तों आप अगले स्टेप पे चले जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आप फाइनल स्टेप पे आ जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिला है थैंक यू वी आर वैलिडेटिंग योर डिटेल, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है पैन कार्ड का रिक्वेस्ट नंबर। पैन कार्ड रिक्वेस्ट नंबर का यूज़ करके दोस्तों यहाँ पे आप नीचे चेक स्टेटस का आपको लिंक दिख रहा होगा, उस पर जाकर के आप अपने पैन कार्ड का स्टेटस देख सकते हैं कि आपका पैन कार्ड जो है जनरेट हो गया या नहीं। फिलहाल दोस्तों ये प्रोसेस जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुका है, तो आपको एक मिनट के अंदर अंदर PDF के फॉर्म में आपका पैन कार्ड जो है मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको पैन कार्ड डाउनलोड करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अब चेक स्टेटस एंड डाउनलोड पैन के ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक कर लेते हैं आपके सामने एक इंटरफेस जो है ओपन होकर के आता है। यहाँ पे आपको फिर से अपना आधार कार्ड का नंबर डालना होगा, जैसा कि यहाँ पर मैं जो है फिल कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे मैंने जो है फटाफट अपना आधार कार्ड का नंबर जो है फिल कर लिया है। अब दोस्तों नीचे आपको जो है कैप्चा कोड दिख रहा होगा, आपको कैप्चा कोड जो है इंटर कैप्चा के बॉक्स पे फिल कर लेना है, जैसा कि यहाँ पे मैंने जो है कैप्चा कोड को फिल कर लिया है। नीचे आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका पेज जो है लोड होने लगता है और आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक बार फिर से OTP जाता है। यहाँ पे आपको जो है OTP फिल कर देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे OTP जो है फिल कर दिया है। अब सबमिट के बटन पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको दिख जाता है आपका आधार कार्ड नंबर का लास्ट डिजिट और साथ ही साथ दोस्तों बगल में दिख जाता है पैन अलॉटमेंट सक्सेसफुल, यानी कि आपको जो है पैन कार्ड मिल चुका है।
डाउनलोड का बटन यहाँ पे दिख जाता है पेन के लिए, डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। नीचे आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ लेफ्ट साइड पे बॉटम पे मेरा डाउनलोड जो है पीडीएफ हो चुका है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जो है अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के बीच में कोई भी स्पेस, कोई भी हाइफन या फिर कोई भी स्पेशल सिंबल्स नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे फिल कर लिया है और नीचे आपको दिख रहा होगा सबमिट का बटन जिस पे कि हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपको आपका पैन कार्ड मिल जाता है। पीडीएफ के फॉर्म में आपको ये पैन कार्ड मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना आसान प्रोसेस था पैन कार्ड को बनाना। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसको आप प्रिंट करवा लें तो आप किसी भी दुकान पर जाकर के नीचे आपको पैन कार्ड का आगे और पीछे का आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप पैन कार्ड को जो है प्रिंट करा सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा आसान प्रोसेस था जो कि कम स्टेप पे आपने आराम से बना लिया। तो दोस्तों आज के मेरे इस वीडियो में आपने सीखा कि कैसे आधार कार्ड से पैन कार्ड बनाया जाता है और बिल्कुल मुफ्त में आपको ये पैन कार्ड मिल जाता है। पीडीएफ के फॉर्म में आपको ये पैन कार्ड मिलता है। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।